हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्टर टेक। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने लैपटॉप का बायोस रीसेट कैसे कर सकते हैं। इससे पहले ये ज्यादा जरूरी है कि बायोस रीसेट करने की आपको नीड क्या है। अगर आप काफी लंबे समय से अपने लैपटॉप को यूज कर रहे हैं और आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं कि आपका सिस्टम रिस्टार्ट होने में या फिर बायोस बूट होने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे में बायोस को रीसेट करना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ऐसे में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ लैपटॉप के लिए ही बायोस रीसेट करना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप को ओपन करना थोड़ा क्रिटिकल होता है। काफी स्मॉल स्क्रूज इसके होते हैं, काफी स्मॉल पार्ट होते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बायोस रीसेट करना सिर्फ लैपटॉप के लिए बता रहा हूँ, जिसको आप सिर्फ बायोस में जाके डायरेक्ट रीसेट कर सकते हैं, जिसे रीस्टोर फैक्ट्री भी आप कह सकते हैं। सिस्टम में यानी कि पीसी में बायोस रीसेट करने का तरीका एकदम डिफरेंट होता है, जिसको आप मैनुअली डायरेक्ट मदरबोर्ड की हेल्प से, सीमोस बैटरी की हेल्प से आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको उसकी नीड हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा सिस्टम के लिए, कैबिनेट के लिए, कि उसमें बायोस रीसेट कैसे करते हैं। यहाँ पर लैपटॉप के लिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे आप बायोस रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने सिस्टम में एंटर करके कि किस तरीके से आप बायोस रीसेट करेंगे। तो गाइस, बायोस रीसेट के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना होगा और वो की प्रेस करनी होगी जिससे आप स्टार्टअप मेन्यू में आ पाएं या फिर बायोस सेटअप में डायरेक्ट जा पाएं। इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि किस कंपनी के लैपटॉप में आप कौन सा बटन दबाकर अपने बायोस सेटअप में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं स्टार्टअप मेन्यू पर आ गया हूँ अपने लैपटॉप को स्टार्ट करने के बाद, यहाँ पर मेरे पास की लिखी आ रही है F10 बायोस सेटअप। जस्ट मेरे को यहाँ से F10 प्रेस कर देना है और मैं यहाँ से F10 प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, F10 प्रेस करते ही यहाँ पर एक मेरे पास इंटरफेस ओपन हो गया है, जिसमें मेरे पास कुछ डिटेल्स यहाँ पर लिखी आ रही हैं। ठीक है, सिस्टम टाइम, सिस्टम डेट, प्रोडक्ट नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और यहाँ पर बायोस वर्जन वगैरह सब मेरे पास यहाँ पर लिखा आ रहा है। यहाँ पर आपके पास ऊपर टैब्स आ रहे हैं, मेन, सिक्योरिटी, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड एग्जिट। यहाँ पर आपके पास एग्जिट टैब में जस्ट नीचे यहाँ पर आ रहा है लोड सेटअप डिफॉल्ट्स। ठीक है, लोड सेटअप डिफॉल्ट्स ही आपका बायोस रीसेट का लैपटॉप में ऑप्शन होता है। जस्ट आप इसको जब भी आप एंटर करके यस करेंगे तो आपके जो लैपटॉप का बायोस है वो रीसेट हो जाएगा। अगर आपके बायोस में यानी कि अगर आपके बूट सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपने बायोस सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस रिसेंटली किए हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है आपके सिस्टम में, तो आप यहाँ से लोड सेटअप डिफॉल्ट करके जस्ट अपने बायोस को रीसेट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास यहाँ पर लोड सेटअप डिफॉल्ट में यस और नो आ जाएगा। राइट एंड लेफ्ट की से आप यस और नो पर जा सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर यस बटन पे एंटर प्रेस कर देना है और आपका जो बायोस है वो रीसेट हो जाएगा। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो लैपटॉप में आप इस तरीके से बायोस को रीसेट कर सकते हैं। बायोस रीसेट करने के बाद जस्ट आपको अपने सिस्टम से एग्जिट करना होगा। नीचे आप देख रहे हैं F10 7 एग्जिट आ रहा है। जस्ट आप F10 यहाँ पर प्रेस करेंगे और एग्जिट सेव चेंजेस करके आप एंटर बटन प्रेस करके यस पर आप इससे एग्जिट हो जाएंगे और आपका जो सिस्टम है वो यहाँ पर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो होपफुली गाइस आपके लिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। बायोस रीसेट करने के बारे में आपको एक नई जानकारी यहाँ पर मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और देखते रहिए बस्टर टेक।